प्यारे बच्चों कैसे हो। पिछली कक्षा में आप भिन्नों की जोड़ और घटा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम भिन्नों की गुणा और भाग का टॉपिक देखेंगे। जोड़ और घटा करने के लिए आपको बताया गया था कि हर बराबर होना जरूरी है, लेकिन भिन्नों की गुणा करने के लिए हर का बराबर होना जरूरी नहीं है। यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जोड़ और घटा जो हमने कल किया था उसके लिए भिन्नों में हर बराबर होना जरूरी है, जो तुल्य भिन्न के साथ हम हरों को बराबर कर सकते हैं, और गुणा और भाग में हमें उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं? आप देखें, यदि मुझे 1/2 को 3/5 से गुणा करना है तो मैं सीधा कर सकता हूं, 3 एकम 3, ऊपर की ऊपर वाले से गुणा, नीचे की नीचे वाले से गुणा, 5 गुणे 10, सिंपल सीधी गुणा हो सकती है। लेकिन इस गुणा करते वक्त भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है उसके बारे में ही आगे हम जानेंगे। ये तो पता हो गया, यदि इसका हर 2 है, इसका 5 है, ये बराबर करने की जरूरत है नहीं है, किसमें? गुणा की स्थिति में, और भाग की स्थिति में भी आगे हम देखेंगे। लेकिन जोड़ या घटा जो हमने कल की है उसके लिए इन दोनों हरों का समान होना जरूरी है, जो हमने कल करके देखा था। और यदि संख्याएं इसमें हम लें, अब इस प्रकार से यदि मेरे पास कोई प्रश्न आ जाते हैं तो हम सीधे गुणा करके लिख सकते हैं, 3 के साथ के साथ, ऊपर नीचे 5 की 6 के साथ। लेकिन इस दौरान हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं और नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं, क्या ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में से कोई भी दो, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों नीचे वाले नहीं होने चाहिए, दोनों ऊपर वाले नहीं होने चाहिए, दोनों अंश नहीं होने चाहिए, दोनों हर नहीं होने चाहिए, एक अंश या एक हर में से कोई भी संख्या क्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में आ रही है? तो हम देखेंगे कि 3 और 6 एक संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं। किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। और 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है? 1 पे। 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है? 2 पे। इस प्रकार हम इनको सरलतम रूप में लिख सकते हैं काट के। अब 3 के पहाड़े में 3 1 पे आ रहा है तो उसकी जगह 1 ले लिया, और 3 के पहाड़े में 3 6 पे आ रहा है तो उसकी जगह 2 ले लिया। अब देखो ये दोनों 1 के पहाड़े में आ रहे थे इसलिए काटे। काटे का मतलब ये हो गया कि हमने 3 से भाग किया है, 3 से इसको भाग किया, 3 से इससे को भाग किया है, तभी हमारे पास संख्या क्या आई है? यहाँ पे 2 आई है। तो अब हम इसकी गुणा करके लिख सकते हैं, 7 एकम 7, ऊपर नीचे 5 दुनी 10, सिंपल। यदि कोई ऊपर वाला नीचे वाली संख्या के साथ कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा का मतलब ये हो गया कि वो किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, तो हम सीधी गुणा करके लिख सकते हैं। और देखें, सीधी गुणा करके लिखें या कोई किसी के पहाड़े में आ रहा है, ध्यान से देखें, आ रहा है 25 और 10 किसके पहाड़े में आ रहे हैं? 5 के में, बिल्कुल सही। 5 के में 10 कितने पे आ रहा है? 2 पे। और 5 के पहाड़े में 25 कितने पे है? 5 पे। और कोई? अच्छा ये भी आ रहे हैं, 9 और 12 है किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 9 कितने पे है? 3 पे। और 12 कितने पे है? 4 पे, जिसके पहाड़े में दोनों आए। और भी आ रहे हैं ये दोनों 2 के पहाड़े में, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों अंश हैं, ऊपर हैं, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली के साथ नहीं कटेगी। नीचे वाले में कोई आ रहा हो तो देखें, नहीं आ रहा है तो गुणा करके लिखते हैं, 2 चौके 8, ऊपर वाली पर अब ये भी गुणा नहीं होगी, इनकी जगह हमारे पास ये इनके संख्याएं आ चुकी हैं, और 3 5 15, सिंपल। किसके पहाड़े में आ रहे हैं? 5 के पहाड़े में दोनों ही आ रहे हैं, किसमें? 3 पे। 5 के पहाड़े 15 3 पे, और 5 के पहाड़े 25 5 पे। और कोई आ रहा है पास में? ये देखो 3 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 में, 3 एकम 3, और ये 3 3 9, मतलब 3 के पहाड़े में जहां पे आ रहा है वो लेना है। अब कोई नहीं आ रहा था, वो गुणा करें, 8 एकम 8, नीचे 3 5 15, सीधी गुणा करके हम इसको ऐसे देख सकते हैं। आशा है गुणा वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास भाग आएगा, और भाग भी बिल्कुल इसी प्रकार है। यदि मैं 8/25 को, अच्छा एक चीज इसके अंदर रह गई, एक चीज इसके अंदर रह गई कि 3/7 को यदि मैं 5 से गुणा करूं तो, पूर्ण संख्या से गुणा करूं तो, उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस यही तो करना है,
जिसके नीचे हर नहीं है उसके नीचे हर क्या होता है एक। अब देखो किसी को किसी पाड़े में नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पांच थे पंद्रह सात एकम सात। इस प्रकार से प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं, तो उसको इस प्रकार से हमें लेना है। अब भाग वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं भाग के। अब भाग के प्रश्नों में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ भाग के प्रश्नों में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस भाग को, जो ये भाग है, इसको गुणा में बदलना है। यदि ये गुणा में परिवर्तित हो गया तो गुणा वाले तो अभी मैंने करके देखे हैं, फिर उसके बाद आसानी से कर सकते हैं, और इसको भी परिवर्तित करना बिल्कुल आसान है, बदलना बिल्कुल आसान है। कैसे कि पहली संख्या को ऐसे कैसे रखो, भाग को गुणा बना दो और पीछे वाली संख्या को पलट दो, व्युत्क्रम लो उसका, नौ बटे दो, दो बटे नौ था तो नौ बटे दो, भाग का क्या बन गया गुणा। आगे वाली ऐसे कैसे रहेगी, सिर्फ पीछे वाली। अब किसी के पाड़े में आ रहा है, दो के पाड़े में एक पे, दो के पाड़े में चार पे, ये तीन के पाड़े पांच पे, तीन के पाड़े में तीन पे, और उस प्रकार गुणा करके लिखेंगे, चार तीन बारह है, नीचे पांच एकम पांच, सिंपल। आठ बटे सात को यदि मैं भाग दे रहा हूं बारह बटे इक्कीस से, बारह बटे इक्कीस से, तो क्या करूंगा मैं, आठ बटे सात को ऐसे कैसे रखो, भाग का क्या बना दिया गुणा, और बारह बटे इक्कीस का क्या बन गया, इक्कीस बटे बारह है, उलट गई संख्या। अब सात के पाड़े में सात एक पे आ रहा है, इक्कीस तीन पे, ये चार के पाड़े में दो पे, चार के पाड़े में तीन पे, ये तो आपको खुद देखना है, ध्यान से देखे थोड़ा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तीन दुणी, अरे ये भी आ रहा है, देखो ये खुद भी कट रहा है, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, एक पे, एक के एक पे ही आ रहा है तीन के पाड़े में दोनों, तो ऊपर क्या किया, दो एकम दो एकम दो, नीचे एक एकम एक। अब नीचे एक लिखो या ना लिखो, हमारे पास आंसर क्या हो गया, दो आ गया। इस प्रकार से कर सकते हैं। और कैसे आ सकता है, यदि हमारे पास प्रश्न होता सिर्फ ये कि आठ बटे सात को बारह से भाग देना है। अब भाग देने के लिए मैंने बताया था भाग या गुणा में हर हमें लिखना होगा, लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बारह बटे एक, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे आंसर एक होगा, हर एक होगा सॉरी। अब आठ बटे सात पहली संख्या ऐसे कैसी रखनी है, भाग को गुणा में बदलना है, और इसको हम क्या लूंगा, बारह बटे एक को क्या हो जाएगा, एक बटे बारह हो जाएगा। भाग से गुणा बनाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। अब चार के पहाड़े में आठ दो पे आ रहा है, चार के पहाड़े में तीन पे आ रहा है, और गुणा करके हम सीधा लिख सकते हैं, दो एकम दो और नीचे सात ये इक्कीस, दो बटे इक्कीस इसका आंसर आ चुका है। यदि हमारे पास कोई मिश्रित भिन्न आती है सही वाली, पहले हम सही खोल के लिखेंगे, उसके बाद ही कोई प्रश्न हम कर पाएंगे। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए जो भी दिए गए हैं, और अपने अध्यापकों को दिखाइए।